Here is the question. The ratio of specific charge of proton and alpha particle is. Okay, यहां पर आपको प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए रेशियो कैलकुलेट करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कैलकुलेट करना है आपको. तो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो होता है ई बाई एम रेशियो. ओके, ई बाई एम रेशियो क्या है? तो आप स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कहते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रोटोन के लिए. तो प्रोटोन के लिए जो ई बाई एम का रेशियो होगा कितना होगा, देखो प्रोटोन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस वन चार्ज होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वन होगी. अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन कितना मान के चलते हो आप, यूनिट मान के चलते हो ना, तो ये भी कितना होगा, वन. अपॉन अब क्या रहा, अल्फा पार्टिकल. ओके, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है डबली चार्ज हीलियम प्लस टू आयन न्यूक्लियस. ओके, डबली चार्ज हीलियम प्लस टू न्यूक्लियस. बताइए हीलियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, टू पॉजिटिव चार्ज है. तो यहां पर इसका जो ई बाई एम रेशियो होगा, ये जो फर्स्ट ई बाई एम रेशियो था वो था प्रोटोन के लिए, और सेकेंड जो ई बाई एम रेशियो है वो हीलियम न्यूक्लियस के लिए है. तो यहां पर ई जो चार्ज का रेशियो होगा वो तो कितना होगा, टू होगा. अपॉन मास रेशियो ऑफ हीलियम, मास रेशियो ऑफ हीलियम, मतलब हीलियम में कितने, हीलियम का मास कितना होगा, इसका मास होगा फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटोन होगा. ऑब्वियसली बात यही होगा, इसका मास क्या होगा, फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटोन. प्रोटोन का मास कितना होता है, वन मान के ले रहे थे ना, वन मान रहे थे, तो कितना हो जाएगा, हीलियम का मास फोर हो जाएगा. तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये रेशियो आ जाएगा टू अपॉन वन. तो ये करेक्ट ऑप्शन इज टू रेशियो वन. तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. चलिए एक बार वापस इसे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपके लिए. हमें कैलकुलेट करना था स्पेसिफिक चार्ज. स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपन मास रेशियो में कैलकुलेट करना है. प्रोटोन का जो चार्ज होता है, एक प्रोटोन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस वन चार्ज होता है, तो उसका चार्ज कितना लिया हमने, वन लिया. मास ऑफ द प्रोटोन, मास ऑफ द प्रोटोन हम यूनिट वन में वन मान के चलते हैं, तो मास ऑफ द प्रोटोन कितना ले लिया हमने, वन ले लिया. नाउ अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम प्लस टू आयन. ओके, हीलियम प्लस टू न्यूक्लियस, उसे क्या कहते हो, अल्फा पार्टिकल कहते हो. तो हीलियम प्लस टू पे देखिए कितना चार्ज है इसका, इसका चार्ज है प्लस टू, तो चार्ज ले लिया हमने टू. अपॉन, अपॉन क्या रहेगा अब इसका मास, मास ऑफ द हीलियम, हीलियम का मास होता है फोर टाइम्स. ठीक है, हीलियम के अंदर कितने, दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो तो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल हो गया फोर हो गया. तो फोर मास ऑफ द प्रोटॉन होता है. ठीक है, फोर टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन होता है. प्रोटॉन का मास वन मान के चलते हैं, वन इंटू फोर कितना हो गया, फोर हो गया. इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, टू रेशियो वन. तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन.